नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तीन ऐलान किए। तीन ऐलानों में से दो ऐलान से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर होगी और एक ऐलान से कांग्रेस खुश होगी। ये तीन ऐलान क्या हैं और दो ऐलान से बीजेपी क्यों खुश होगी और एक ऐलान से क्यों कांग्रेस खुश होगी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश को लेकर है कि मायावती ने कहा है कि बीएसपी उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। खासतौर से उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उनकी पार्टी ओबीसी की पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। इसका उन्होंने पुरजोर शब्दों में खंडन किया, जैसा कि मीडिया में चर्चा चल रही है। अब इससे सबसे बड़ी राहत बीजेपी को मिल रही है, दो तरह से मिल रही है। एक तो अब मुस्लिम वोट का और बंटवारा होगा, यानी मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसका मतलब अपोजिशन में बिखराव होगा, चार कोण का मुकाबला हो जाएगा। एक तरफ मरी गिरी जिस भी हालत में है कांग्रेस भी होगी, दूसरी तरफ सपा और आरएलडी होगी, तीसरी तरफ बीएसपी होगी और चौथी तरफ बीजेपी होगी। पिछली बार बीजेपी को 45% वोट मिला था, मायावती को 19-20% और इतना ही वोट करीब करीब मिला था समाजवादी पार्टी को। दोनों मिलकर चुनाव लड़ती तो कहानी थोड़ी बदल भी सकती थी, खासतौर से इस बात को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ ब्राह्मण और दूसरी जो सवर्ण जातियां हैं उनका भी कुछ विरोध का सामना कथित रूप से आज की तारीख में करना पड़ रहा है। अब 45% से बीजेपी का वोट अगर घटता भी है, अगर मान लीजिए 10% भी घटता है और 35% भी रहता है, तो 35% पर भी वो चुनाव निकालने में कामयाब हो जाएगी अगर चारों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात है कि ये जो 10% बीजेपी का वोट अगर घटता भी है तो ये पूरा एक तरफा एक गठबंधन के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि अपोजिशन में कोई एक गठबंधन नहीं है। ये बट जाएगा थोड़ा मायावती के हिस्से में, थोड़ा समाजवादी पार्टी के हिस्से में और थोड़ा बहुत जो भी कांग्रेस के हिस्से में भी आ सकता है। तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। सबसे बड़ी बात है मुस्लिम सीटों पर जो मुस्लिम बहुत सीटें हैं, जहां 40%, 50%, कहीं कहीं 55% तक मुसलमान हैं, वहां पर अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, मायावती अलग चुनाव लड़ती है, ओबीसी भी कुछ जगह अपने उम्मीदवार उतारेंगे जाहिर तौर पर, तो ऐसे में मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा और वहां पर बीजेपी के लिए सीट निकालने में आसानी होगी। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि बहुत से मुस्लिम इलाकों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। 60%, 65% तक मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये फायदा एक तरह से मायावती बीजेपी को देने जा रही है। यही फायदा उत्तराखंड में भी बीजेपी को मायावती देने जा रही है। मायावती ने कहा है उत्तराखंड में भी वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में मायावती की पार्टी का बहुत असर नहीं है, वोट परसेंटेज भी पिछले कुछ चुनाव से लगातार कम होता रहा है, सीटें भी लगातार कम होती रही हैं, करीब 2%, 3%, 4% के आसपास वोट मिलता रहा है। लेकिन ये सारा का सारा जो वोट है, अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस के हिस्से में चला जाता, या बीएसपी अगर चुनाव नहीं लड़ती मान लीजिए उत्तराखंड में, तो सारा कांग्रेस के हिस्से में चला जाता। और ये मैदानी इलाकों का वोट है, ये हरिद्वार की तरफ का वोट है, ये शहीद उधम सिंह नगर जिला उसका वोट है, और हरिद्वार से लेकर थोड़ा देहरादून तक चले तो बीच का जो मैदानी इलाका है वहां पर बीएसपी का असर है। लेकिन वो अलग से चुनाव लड़ेंगी तो वहां भी एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव होगा, बंटवारा होगा, कांग्रेस के बीच में होगा और मायावती के बीच में होगा, जिसका अंततः फायदा उस बीजेपी पार्टी को उठाना पड़ेगा जो मुख्यमंत्री बदल चुकी, वो कई और तरीके और आजमा चुकी, पिछली बार कांग्रेस के बहुत से नेताओं को आयात कर लिया था, पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी खेमेबाजी मानी जा रही है, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को कम से कम मायावती वोटों का बिखराव होने देकर बचा लेगी, ऐसा माना जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मायावती के तीसरा ऐलान क्या है और उससे कांग्रेस को क्या खुशी हो सकती है। तीसरा ऐलान पंजाब को लेकर है। वहां मायावती ने कहा है कि गठबंधन का विकल्प खुला हुआ है। इससे पहले खबरें आई थी कि सुखबीर सिंह बादल और सतीश मिश्रा ये आपस में मिले भी थे, कुछ सीटों के बंटवारे को लेकर भी बात हुई थी। अकाली दल के साथ अगर बीएसपी समझौता करती है तो जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा।
कैसे फायदा होगा ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। पंजाब में 30-33 कुछ लोग कहते हैं 35% तक दलित वोट है, ये बात सही है। अगर सिख वोट और दलित वोट आपस में मिल गए तो नेचुरली कांग्रेस को घाटा होना चाहिए, अकाली दल को फायदा होना चाहिए। लेकिन जानकारों का कहना है कि दलित सिखों के साथ जाते नहीं, दलितों और सिखों के बीच बड़ा टकराव है। पहले गांव में क्या होता था कि एक गुरुद्वारा होता था जहां सब जाया करते थे, अब एक ही गांव में एक छोर पर गुरुद्वारा है तो दूसरे छोर पर डेरा है और डेरे में दलित ज्यादा जाते हैं, गुरुद्वारे में कम जाते हैं। और ये जो खिंचाव है दलितों और के बीच में और सिखों के बीच में, उसके कारण कांग्रेस के कुछ लोगों का मानना है कि मायावती अगर अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो दलित मायावती को वोट नहीं देगा, मायावती अकाली दल के गठबंधन को वोट नहीं देगा। एक बड़ा हिस्सा उसमें से जो किसान भी है, जो खेतीहर मजदूर भी है और किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि अकाली दल भी समर्थन कर रहा है, लेकिन इसका सियासी फायदा कांग्रेस को मिल सकता है और कांग्रेस को कुछ सीटों में इजाफा ही होगा उसका, ऐसा माना जा रहा है, या नुकसान नहीं होगा। और एंटी इनकम्बेंसी को कुछ हद तक बीएसपी इस तरह कांग्रेस के पक्ष में थाम दे। तो अभी तक की कहानी यह है, अब देखना यह है कि वास्तव में राजनीति संभावनाओं का खेल है कि आने वाले समय में होता क्या है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अनकट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।